हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोल्ड कोको, जिसके लिए मुझे आधा लीटर अमूल गोल्ड फुल फैट क्रीम मिल्क चाहिए। फिर हमें चाहिए 50 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर। आप नॉर्मल मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन पॉसिबल हो तो आप स्किम मिल्क पाउडर ही ले। इस रेसिपी के रिलेटेड जो भी छोटी छोटी टिप्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आप 20 ग्राम डार्क कोको पाउडर ले। अब मैं आपको अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी, और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिंथम गम, जो मैंने लिया है 2.4 ग्राम, बट आप 2 ग्राम तक ले सकते हैं। और ये थिकनिंग एजेंट है और ये प्लांट बेस है, तो ये कोई हार्मफुल कोई केमिकल नहीं है, और ये दोनों में वर्क करता है, ठंडे दूध में और गर्म दूध में। और इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें ठंडे दूध में डाल के हमें मिक्सचर में इसे प्रॉपर मिक्स करना रहेगा कम से कम 1 मिनट तक। अब ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने आधा लीटर दूध में डाल दिए हैं। अब साइड में मैं 70 ग्राम शुगर ले लूँगी, लेकिन मैं इसे अभी मिक्स नहीं करूँगी, मैं जब बॉईल करने रखूँगी तभी मैं शुगर ऐड करूँगी। तो अभी मैं ये दूध का और ड्राई मिक्स का पाउडर मिक्सचर में कम से कम मैं 1 मिनट तक ग्राइंड करूँगी। 1 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं मिक्स करना है, क्योंकि हम 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें इतना मिक्स नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 ही मिनट मिक्स करना है। कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट तक मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद आपको उसे स्टील के बॉल में निकाल देना है और इसे फिर गर्म करने रखेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा गरम होगा, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि नीचे बैठ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसमें जब थोड़ा सा गरम होगा तभी हम इसमें शुगर डालेंगे। आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, और जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, शुगर मेल्ट हो जाएगी, तभी आपको उसमें 50 ग्राम मिल्क कंपाउंड डालना है। आप डार्क कंपाउंड भी डाल सकते हैं और मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम ही डालना है। और आपको फिर से चलाते रहना है, आपको तब तक चलाते रहना है जब तक एक बॉयल ना आ जाए। और जैसे ही एक बॉयल आ जाता है तो आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा कीजिए। मुझे आपको दिखाना था, इसके लिए मैंने बर्फ में उसे रख के ठंडा कर दिया। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप बिना बर्फ में रखे आप रूम टेम्परेचर पे उसे चलाते रहें, और उसमें ऊपर एक मलाई की लेयर ना बनने दे, और फिर इसे अलग से बाउल में निकाल के फ्रिज में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा चिल होने के लिए रख दे। चिल्ड होने के बाद मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा, तो आप जिंथम गम 2 ग्राम ही लीजिएगा। मैंने 2.4 लिया है, बट आप 2 ग्राम ही लीजिएगा।